उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर परिसर में हमला करने वाले अहमद मुर्तजा अब्बासी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आज मुर्तजा अब्बासी को गोरखपुर ACGM कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस मामले में आज खास बात यह है कि अब्बासी के केस को लखनऊ की ATS और NIA की स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है और उसे लखनऊ की स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके साथ ही अब मुर्तजा अब्बासी पर गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून के तहत मामला चलेगा। इसको लेकर पहले ही उम्मीद की जा रही थी कि ATS उस पर UAPA के तहत केस दर्ज करेगी। गौरतलब है कि मुर्तजा की पुलिस हिरासत की अवधि आज समाप्त हो रही है। वहीं अगर सूत्रों की माने तो अभी तक की पूछताछ में मुर्तजा ने कट्टरपंथियों के साथ अपने संबंध को स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद यह तय हो गया कि वह किसी अन्य के इशारे पर इस तरह के काम कर रहा है। वहीं पुलिस को उसके पास से 6 एयर गन भी मिली है और उसने शूटिंग भी सीखी है ताकि वह हमले में पिस्टल या फिर किसी आधुनिक हथियार से अंजाम दे सके। इसी सिलसिले में वह नेपाल भी गया था और इंटरनेट में हथियारों की तलाश भी कर रहा था।